नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कॉल सेटिंग के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल में कॉल वाले फीचर में जाते हैं, नंबर डायल करके बात कर लेते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर निकाल के बात कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उसकी सेटिंग पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो उसमें कुछ कमाल की सेटिंग है, वो सेटिंग आपको ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। जैसे कि कभी हम लोग मीटिंग में हैं या ऐसे कोई प्लेस पे हैं और वहाँ पे चाहते हैं कि हमारा मोबाइल साइलेंट रहे, तो एक सिंपल सी सेटिंग आपको ऑन कर लेनी है। आपको बार बार उस सेटिंग को ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने मोबाइल को बार बार साइलेंट मोड में नहीं लगाना पड़ेगा। आप जब चाहेंगे तब आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा और जब चाहेंगे तब आपका मोबाइल साइलेंट से हट जाएगा। और इसके अलावा कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे लिस्ट में नहीं होता है उस पर्सन का, तो किस तरह से उस पर्सन का नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे कि कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कौन से डॉक्टर हैं और उनका नंबर भी नहीं है, तो एक सिंपल सी सेटिंग है उसको आपको ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद उस जगह पे जिस सर्विस की ज़रूरत होगी आपको, उस सर्विस से रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मिल जाएगा। ये सारी सेटिंग किस तरह से आप ऑन कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं किस तरह से इन सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों सिंपल सा, आपको अपने कॉल वाले फीचर में आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल वाले फीचर में राइट साइड में 3 डॉट होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल हिस्ट्री सेटिंग, तो यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे कॉलर आईडी एंड स्पैम आपको मिल जाएगा। इस फीचर को आपको ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। इसको ऑन करने से आप स्पैम कॉल से बच पाएंगे। अगर आपके पास में स्पैम कॉल्स ज़्यादा आती हैं तो वो कॉल्स जो है आना बंद हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एसेबिलिटी फंक्शन मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे नॉइस रिडक्शन, तो इसको सिंपली आपको ऑन कर लेना है। और इसको ऑन करने से ये होगा कि अगर आपके पास में कोई कॉल आती है या फिर आप कहीं कॉल करते हैं तो आप जो है जब बात करेंगे तो नॉइस जो है कम जाएगी, आपकी आवाज़ क्लियर जाएगी। तो इस फीचर को आपको ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई अननोन नंबर से कॉल आती है आपके मोबाइल पे और उस कॉल की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिलीट रिकॉर्डिंग नेबर पे लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्डिंग हो वो डिलीट ना हो तो नेबर पे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज रिकॉर्ड नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर नहीं है और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, तो इसको सिंपली आपको ऑन कर देना है। ऑन कर देने से जो भी नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, अगर उस नंबर से कॉल आती है, किसी नए नंबर से कॉल आती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसके नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड नंबर, अगर कोई नंबर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हो आपके मोबाइल में, तो यहाँ से आप जो है अपने कॉन्टेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज ए कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट से आप नंबर सेलेक्ट कर पाएंगे यहाँ से, और उस नंबर पे जो है कंटिन्यू जो भी बात होगी, आपने कॉल किया हो या कॉल आई हो, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ से बैक होके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नियर बाई प्लेसेस, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में नियर बाई प्लेसेस ऑन नहीं है तो आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। ऑन कर देने से आपके मोबाइल में अगर वो नंबर नहीं सेव है, उस जैसे कि अगर आपको किसी डॉक्टर का नंबर चाहिए तो आप डॉक्टर सर्च करेंगे, आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर होंगे उनके नंबर आपके कॉन्टेक्ट में शो हो जाएगा और इस तरह से आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर को फाइंड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इसको ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। तो ये किस तरह से वर्क करता है तो आपको हम करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में होटल नाम से कोई भी
कॉन्टेक्ट सेव नहीं है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे होटल। होटल सर्च करेंगे तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होटल की लिस्ट आ गई है। तो नियर बाई हमारे जो भी होटल हैं उनके नंबर यहाँ पे शो हो गए, और ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, उसके बावजूद जो है हमारे कॉन्टेक्ट में ये शो हो गए। तो इस तरह से अगर आपको किसी सर्विस की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि उसका नंबर आपको मिल जाए, तो ये सेटिंग आप ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें। और यहाँ से बैक जाएंगे तो इसके बाद आपको हम बताते हैं, यहाँ पे आप कॉलर आईडी अनाउंसमेंट देख रहे हैं, इसको सिंपली आप टेप करेंगे और यहाँ पे नेबर पे होगा, इसको आप ऑलवेज पे कर देंगे। तो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके नंबर नहीं है उसका अनाउंसमेंट करके ये बताएगा, और अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है किसी नाम से सेव है तो वो नाम जो है बोल के ये बताएगा। ये कमाल का फीचर है। अगर आपका मोबाइल कहीं पे रखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी कॉल आ रही है। और इसके बाद दोस्तों नीचे इसके देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी मीटिंग में हैं और बार बार आपको अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में ना लगाना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में लगा लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हमारा मोबाइल साइलेंट मोड में है, साइलेंट मोड हटाना भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे मोबाइल पे कोई कॉल आती है तो वो पता नहीं चल पाती है। तो इस फीचर को ऑन करने से ये होगा कि आप जो है अपने मोबाइल को सिंपली पलट के रख देंगे टेबल पे या कहीं पे, तो आपका मोबाइल साइलेंस हो जाएगा, और सीधा रखेंगे तो आपके मोबाइल का साइलेंस मोड हट जाएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस, तो इसको सिंपली आप जो है ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद जो है आपका मोबाइल कभी भी आप उसको साइलेंस मोड में कर सकते हैं। सिंपली इसको पलट के ऐसे रख देना है टेबल पे और आपका मोबाइल साइलेंस हो जाएगा। जब हटाना हो तो सीधा करके रख देंगे और आपका मोबाइल साइलेंस से हट जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।